ये देखें हम फिश बना रहे हैं, और पहले हम इसको अपने विनीगर के साथ, ज़्यादा नहीं डालना, इसको विनीगर के साथ धोएंगे, जो फिश की स्मेल है वो चली जाए, और इसी में सॉल्ट ऐड करेंगे, और इसको हम विनीगर के साथ ये करके हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर, कीपिंग फ्रिज। अच्छी तरीके से ये चला जाए, वन टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, जो हम फिश के लिए मसाला बना रहे हैं, हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, ग्राउंड जीरा हाफ टेबल स्पून, ये यहाँ पर चाट मसाला थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून, और ये हम क्वार्टर टेबल स्पून हल्दी पाउडर लेंगे, और सॉल्ट अप टू यू अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सो आप इसके अंदर हाफ सॉल्ट हाफ टेबल स्पून बहुत है। ये देखें जो हमने फ्रिज में रखी थी, वो हम विनीगर के साथ की थी, वो हम वॉश करेंगे दोबारा से, ये देखें। ये अब हमने अपना मसाला बना लिया, सारा मसाला बन गया ये। अब हम इसको इसी तरीके से सारा फिश पे लगाएंगे, साइड चेंज करेंगे पहले, अच्छी तरीके से ये एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखें वन टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे, दैट्स इट। अच्छी तरीके से अब हम फिश को मसाला लगाएंगे। अब हम इसको कीप इन द फ्रिज रखेंगे, यानी कि मोर वन आवर रखेंगे, उसके बाद हम इसको, आपने फ्राई करना ओवन करना है वो हम फिर करते हैं। ये देखिए हमने अपनी फिश फिर इससे निकाल लिए, अब हम इसको ग्रिल पैन के ऊपर फ्राई करेंगे। ये देखिए अब हम इसको अपने ग्रिल पैन के अंदर ऐड करेंगे, ऑयल हमने डाल दिया, ये देखें अब ये फ्राई हो रही है। पहले इसको हम एक साइड के ऊपर बनाएंगे, एक साइड पे कुक होती है, फिर हम उसके दूसरी साइड चेंज करेंगे, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब हमने इसकी साइड चेंज की है एक की, अब हम इसकी करते हैं साइड चेंज, आराम से हैवी पीस है।